कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश भर में कार्य कर रहे पत्रकारों के हितों की रक्षा की मांग जमशेदपुर से दुर्गा सेना ने उठाई है। इनके द्वारा झारखंड राज्य सरकार के समक्ष पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मांग की गई है। दुर्गा सेना के अध्यक्ष लखी सिंह ने बुधवार को पत्रकारों के हितों की रक्षा की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी है। इस दौरान दुर्गा सेना के एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र सौंपा। वहीं लखी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के पत्रकारों को 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया है। उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाए। साथ ही साथ कोरोना काल में जिन पत्रकारों की जान इस कोरोना काल में गई उनके आश्रितों को 10,00,000 मुआवजा और के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह महामारी के इस दौर में पत्रकारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनमानस की सेवा की है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। इस कारण पत्रकारों को उनका हक मिलना चाहिए। इसी स्टाफ के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे पत्रकार बंधु जो कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु को जो कि मिला गया है स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा लागू किया गया वहाँ पर, आज हम भी झारखंड सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह योगी सरकार ने पत्रकार बंधु को सुविधा दिया है स्वास्थ्य बीमा का 5 से 10 लाख का, यहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी उनको सुविधा दें, क्योंकि हर क्षेत्र हर गली शहर से हम लोग का लगातार कवरेज दे रहे हैं। इस कोरोना काल में भी उन लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम लोग का लगातार न्यूज़ कवरेज मीडिया के द्वारा पत्रकार के द्वारा हम लोग को मिला जा रहा है। इसीलिए हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह योगी सरकार ने उनको मांग पूरा किया है उसी तरह यहाँ पर भी झारखंड सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी उन लोगों को पूरा करें, 5 से 10 लाख का मुआवजा दें। अभी उनसे कुछ खबर मिली है कि उन लोगों ने अब पत्रकार बंधु या फिर सफाई कर्मी नर्स डॉक्टर उन लोगों को शहीदी का दर्जा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने शहीदी का दर्जा दिया। शहीदी के दर्जा के साथ साथ उन लोगों को मुआवजे की बात भी करना चाहिए, उन लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए था जो कि हेमंत सरकार ने नहीं दिया। हम ये भी उनसे मांग करते हैं कि शहीदी के दर्जा के साथ साथ 5 से 10 लाख उनको स्वास्थ्य जीवन बीमा और मुआवजा उनको मिलना चाहिए, ताकि उन लोग के जाने के बाद या रहने के बाद भी उनके परिवार को और उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें। यही हमारी मांग है।